तुम उनमें से एक स्पेशल हो क्योंकि तुम एक्सपेंसिव हो। ये तो पता कैसी वाली कहावत होगी कि पति को मजा बहुत आता है लेकिन संग में बीवी भी चाहिए घर संभालने के लिए। अरे यार है ना, घर वालों को दिखाने के लिए हमारी एक ही है और बाहर कितने चिल्बा कितने चक्कर चल रहे हैं ना, वो कुछ पता ही नहीं है, है ना। इतने बोले तो यार तू भी नहीं है तो तू ऐसे बोलती रहती है। बता कितनी बोली मैं, बता तूने कभी मुझे किसी लड़के के साथ देखा, कभी किसी की बात भी करते हुए देखा? सब लोगों ने, सारी सहेलियों ने, सबने मेरा मजाक बना रखा है कि तेरा बॉयफ्रेंड कल हमारे साथ ओपन माइंडेड हूं ना मैं, देख भी लूंगा तो तेरे को बोलूंगा नहीं। चल यार एक बात बता कुत्ते योगी, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है? आज दिन तेरा स्टेटस चेंज होता जा रहा है। ये क्या था? तेरे गाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब मैं देख तेरा गाल खींचे ना तो रबड़ की तरह खींचते हैं। मैं भी तेरी चोटी पकड़ के ना फिर बता रहा हूँ अभी यार, एक मजाक तक ठीक है यार, लग जाती है ऐसे मक्की अगर। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पहले ये बता तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है? तो उसमें मैं एक हफ्ते नहीं मिली तो तेरे स्टेटस चेंज हो रहे हैं। हाथ भी चला रही है? चलाऊंगी ले यार। क्या है मतलब? मैं तो हाथ चलाऊंगी, मेरी आदत है हाथ चलाने की। बिना हाथ चलाए बिना जबान चलाए मेरे से कोई काम नहीं होता। तो जबान चला ले यार, हाथ मत चला कर। तो दोनों बराबर चलते ना। ले 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 ले, ले। कुत्ता। अब तू उसकी बोल बोल बोल, मेरे को बोलेगा तू? मेरे को बोलेगा तू उसकी 40 सेम टू यू, यू टू? ठीक है ठीक है, अब बोलियो तू मेरे से। चल छोड़ यार, क्या फालतू के ड्रामे करती रहती है। पहले मुझे तुझसे एक बात जाननी है। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, सारे फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे कि यार तेरा बॉयफ्रेंड तो कभी उसके साथ लगा रहता है, कभी उसके साथ लगा रहता है, क्या सीन चल रही है? तो उनके बॉयफ्रेंड मजाक बना रखी है, उसके बॉयफ्रेंड जैसे कि बहुत वो है ना। तो मुझे और किसी का बॉयफ्रेंड से मतलब है ना, मुझे तो तेरे से मतलब है ना, तो तू मुझे बता क्या बताऊं। तेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है? बहुत सारी है, कितने स्टेटस पर तू देख रही है, सारी की सारी गर्लफ्रेंड ही है, इसको पूछने वाली क्या बात है? सब तेरी गर्लफ्रेंड है, पर तू मेरे पास क्या कर रहा है? अरे तू मेरी एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड है, वो एक्सपेंसिव नहीं है। क्या भंडारा है क्या तू, मतलब मेरी एक्स्ट्रा पूड़ी है? ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि तू मेरी एक्स्ट्रा पूड़ी है। रहन दे कर तू, तेरा सब समझ रही हूँ मैं, मतलब तेरा जब उनसे मन भर जाता है तब तू मेरे पास आता है अपनी मसाज करवाने के लिए, है ना? मसाज करूँ मैं तेरी? सॉरी तेरी गर्लफ्रेंड है, बोल कैसे रहा है कि सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड है? शक्ल देखे तो कहेंगे शाहरुख खान है। अरे सकल चाहे मेरे कुछ भी हो लेकिन बंदियां हैं ये तुम मानती हो ना? वो आ कैसे जाती हैं? ये तो अपना टैलेंट है खुद का। चुप रह, टैलेंट में निकालो, मैं निकालो तेरा टैलेंट? उन लोगों को बता दे मेरे बारे में तो गला दबा दूंगी, सबको बता दे मेरे बारे में। तुझे ही भेज दूंगा, तुझे ही भेज दूंगा। हां चल मैं देख लूंगी, अपने आप हां सबसे निपट लूंगी मैं। इतनी सारी है 70 लाल करके भेजूंगी तेरे को। कोई कुछ कह के तो दिखाए। सच कह रहा हूँ। हाँ कोई कुछ कह के तो दिखाए, कोई सी भी है कुछ कह के तो दिखाए मेरे मतलब या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, वो यहाँ वहाँ मुंह काला करेंगे, मैं कुछ बोलूं भी ना गला दबा दूंगी सबका, फिर चाहे बाद में कुछ भी हो। ए चल दूसरी की पर निकल रहा मेरी ए करके, शर्म लिहाज तो रही नहीं है कि मतलब इतनी सारी हैं तो इसमें क्या शर्म वाली बात है ना, अच्छे से रहो क्या। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, अच्छे से हूँ। वो बेचारी यार मर रही है मेरे पे, कह रही है मुझे क्यों मर रही है भाई, तुम मरने देना, गला दबा दे। मैं होती तो मतलब गला दबाती किसी का भी, ले आ पहले गला दबाओ मेरे पास। मैं थोड़ी ना जाता हूँ, वो मेरे पास आ जाती है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता उनको भगाते हुए। वो अलग बात है कि तुम जैसे आती हो ऐसे वो भी आ जाती है। एक सेकंड, मैं जैसे आती से मतलब क्या कुत्ते, तो मेरे को मैं जैसे आती से मतलब क्या? ले ले जा इनको घर, ले जा अपने, ले निकाल ले निकाल ले इनको। आते नहीं है ना, टकला कर दूं मैं तेरे को। एक तो वैसे ही बाल खराब हो रखे, ऊपर से तेरे पास जब भी मिलने आता हूँ ना बालों की ऐसी लगा के रखती है ना, क्या बताऊं तो क्या नहीं। छोड़ नहीं छोड़ी तेरे बाल, इतनी दिक्कत है ना तुझे, पकड़ूंगी भी नहीं मैं तेरे बाल, जो तो सेट मत क्या कर तू, ले पकड़ूंगी मैं तो। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड है बंदे की, मतलब बंदे को शर्म लिहाज ये भी नहीं है भाई। और लोग होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं पागल हो क्या तुम ही हो मेरी, लोग थोड़े प्यार के वर्ड से बोलते हैं तो लड़के डायरेक्ट बोलते हैं नालायक। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है लेकिन तुम उनमें से एक स्पेशल हो क्योंकि तुम एक्सपेंसिव हो। ये तो पता कैसी वाली कहावत होगी कि पति को मजा बहुत आता है लेकिन संग में बीवी भी चाहिए घर संभालने के लिए। अरे यार है ना, घर वालों को दिखाने के लिए हमारी एक ही है और बाहर कितने चिल्बा कितने चक्कर चल रहे हैं ना, वो कुछ पता ही नहीं है, है ना। इतने बोले तो यार तू भी नहीं है तो तू ऐसे बोलती रहती है। बता कितनी बोली मैं, बता तूने कभी मुझे किसी लड़के के साथ देखा, कभी किसी की बात भी करते हुए देखा?
सब लोगों ने, सारी सहेलियों ने, सबने मेरा मजाक बना रखा है कि तेरा बॉयफ्रेंड कल हमारे साथ आएगा। मैं ओपन माइंडेड हूं ना, मैं देख भी लूंगा तो तेरे को बोलूंगा नहीं चल यार। इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता। अरे पागल है क्या, तेरे से ही तो प्यार करता हूं। जब तक प्यार में शक ना हो ना तब तक वो प्यार प्यार नहीं होता। इतनी भी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए किसी इंसान को कि भाई वो इंसान को कोई कदर ही ना हो तुम्हारी। शक है इसीलिए तो तेरे को यहां पे बुलाया। अगर शक नहीं होता तो फिर क्यों उधर, मतलब तेरे को समझ रही है ना। नहीं तुझे मेरे पे शक है? मुझे है पूरा पूरा शक है तो बना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। शक की कोई दवा नहीं होती। शक और बहम तो ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई दवा नहीं है। आई थिंक दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मेरा शक तो तूने क्लियर कर दिया ना, वो शक ही कहाँ बचा अब कि हाँ मेरी है। है ऐसा तू सोच रही है अब मेरी है अब ये। चल यार तू फालतू की बातों पर बहस करने लग जाती है। ये फालतू की बात नहीं है, ये मेरी लाइफ को लेकर के ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कि मतलब मैं जिस लड़के के साथ हूँ उसकी तो औरतें गर्लफ्रेंड बनी फिर रही हैं। तुझे मेरे अंदर कुछ कमी दिखाई देती है क्या? नहीं नहीं तू तो बहुत बढ़िया है, चक 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 चलती है, बिना चक्री की तरह चलती है तू तो यार नॉन स्टॉप। मजाक कर, तारीफ कर रहा है। कहने का मतलब जो चीज चलती है उसमें कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा हाँ फिर तो सही है। हाँ। तो मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है ना, तो फिर तो इतने इन सब के पास कुछ आता है। बात बता। हाँ। तू क्या चाहती है कि तेरे पास आने के बाद मैं किसी भी लड़की के पास दूर दूर तक भटकने की बात कर रहा है, मत तू देखे भी ना। काम कर, हम एक ऐसा रूम लेते हैं जहाँ पे अंदर घुस जाते हैं दोनों, एक दूसरे को ही देखेंगे, तीसरा बार की दुनिया ही नहीं देखेंगे फिर। क्यों क्यों, तुमने ही तो बोला है ना। फिर तू कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं। अरे यार अब सिंपल सी बात है यार, बेस्ट फ्रेंड होते हैं कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं। मेरी गर्ल, जितनी भी गर्ल्स है ना वो गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है, ना कि गर्लफ्रेंड। गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है। मैं भी तो फिर ठीक है, मैं भी अपना कोई फ्रेंड बना लेती हूं जिसको मैं बोलूंगी बीएफ नहीं बीएफएफएफएफ। फिर तो कितने भी उसमें ऐप जोड़ लियो ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा कम होगा। तेरे को ऐसा अगर लगता है कि तेरे को बॉयफ्रेंड बनाना है और मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यार तू फ्रीडम है यार, तू तो मतलब मानता है, मतलब तेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है मेरे में से, तभी तो तू यहाँ वहाँ मुकाबला कर रहा है। तूने ये लाइन अपने मुंह से खुद बोली कमीने। मैंने ये लाइन इसलिए बोली है कि तुम्हारे दिमाग में कहीं ये ना वो ना घुस जाए, एक होता है ना नेगेटिविटी कि मतलब मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूंगी ये कर लूंगी, तो मेरे को क्या है कि लड़कियां मैंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं। तू तो बना बना के बैठा है, दो यहाँ रहते दो यहाँ रहते, दो तेरे पीछे रहती है। क्या करूं यार मैं हूं ही ऐसा। तुझे मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो फिर ठीक है, जब तुझे इतनी सारी बनानी है तो फिर तू मुझे छोड़ ही देना। तुझे इतनी दिक्कत तेरे से प्रॉब्लम नहीं यार, लेकिन लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं तो उनको भी ऐसे मना नहीं कर सकता, वो फ्रेंड बन जाती हैं, वो गर्लफ्रेंड नहीं होती। और तुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड होती हैं तो लगता है इसी को यार, मेरे सारे दोस्त देखते हैं तो यार सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि यार इतने गाल पीसती है ये एलिस का बॉयफ्रेंड, यार ये यहां पे क्या कर रहा है। और तू बता, तू उसे गोलगप्पे किसके संग खा रहा था? फ्रेंड थी उसने। कौन सी फ्रेंड थी? अरे वो अपने पैसों से खिला रही है तो खाने में क्या जा रहा है, तो भूखा है। किसी के पैसे खिलाएगा तो खा लेगा, क्यों खाया तूने? अरे किसी के सीधा सीधा बोलता मुझे नहीं खाना और मेरे को बुलाता ना फोन करके, मैं आती फिर साथ में मिलके खाते। तूने मेरे को तो तूने मुझे बुलाया नहीं, मैं भी तो खाती गोलगप्पे, मेरे को भी अच्छा लगता है। कुत्ते हंस के आए हो जाती ना कि बंदा तो खुद तो खा ही रहा है, साथ में अपनी फ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी, मतलब एक्सपेंसिव। हम लोग नहीं यार, वो मैं उससे पैसे खर्च करवा रहा था उस टाइम पे, इसलिए। ये क्या बात होती है कि उससे पैसे खर्च करवा रहा था? मैं ही हर जगह थोड़ी ना खर्च करूंगा, तुम मेरे से करवाती हो, ऐसे मैं भी किसी से करवाता हूँ और फिर तुम कहती हो कि मतलब मैं तेरे से करवाती हूँ तो जैसे तू मेरे को टल्ला देता है कि तू मेरे से प्यार करता है, यानी कि फिर वो लड़की तुझे टल्ला देती है कि वो तुझसे प्यार करता है। ट्रायंगल नहीं हो गया थोड़ा सा ऐसा करके? ट्रायंगल नहीं हो गया? ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, मेरे को दो तरीके के लोगों से नहीं, तूने खुद बोला कि मैं तेरे से खर्च करवाती हूं और तू उससे खर्च करवाता है, यानी कि वो लड़की तेरे से प्यार करती हो तू मेरे से करता है। ऐसे करके तो खर्च नहीं करा, वो लड़की तेरे से इतना प्यार करती हो तेरे बिना पागल हो जाएगी मर जाएगी बीच में, ऐसा तो ड्रामा तो नहीं है कुत्ते? तू बाद में ड्रामा मत लेके आ जियो कि तू उसका बाप बनने वाला है बच्चे का। तो क्या दिक्कत है, चाचा के हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा देंगे, दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हर चीज को माइंड में क्यों भर के बैठ जाती हो? देख तू एक बार, मैं तो डाइट, तू कैसे बोल सकते है कि क्या दिक्कत है? ठीक है यार मैं सब समझ रही हूँ, तेरा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, कुछ नहीं, नहीं यार। पागल तू इतनी सीरियस हो जाती है मेरे बोलने के बाद तो मेरा दिल एकदम, तू बोलता ही ऐसे यार, मेरा ट्रस्ट और बढ़ जाता है तेरे पे, समझ रही है ना एक होता है। मैं जब भी शादी की बात करूँ बंदे के हमेशा टल्ला रहता है, यहाँ वहाँ का टल्ला सा रहता है।
रेस्टोरेंट मैंने बुक कर दिया, चलो जल्दी मैरिज करते हैं हम लोग। मुझे पता तू आज भी मेरे को टल्ला दे रहा है, ठीक है ना, वाली बात घुमाने के लिए। नहीं इतना मैं तुझे बहुत अच्छे जानती हूँ, 2 साल से कुत्ते मच्छर था, मच्छर के चक्कर मच्छर था गया उड़ गया, अब नहीं उड़ गया। मार ले तू पहले, ले मार ले। मैं तुझे नहीं मारी ना पागल, मैं नहीं चाहती तू डेंगू हो। मार ले तू, मार ले तुझे। मारे नहीं मारे, पेट ने मारा है बेटा। ये केवल ये वाली अथॉरिटी तेरे को है, तेरा इतना हक है। तू औरों को देख तो दिखा, हड्डी भी नहीं बचने वाली बेटा तेरी। दूंगा नहीं ना मैं, क्यों दूंगा यार। मेरे को तो तेरा ही समझ में नहीं आता, पता नहीं 50-50 गर्लफ्रेंड की जरूरत क्या है भाई, एक होनी चाहिए। उससे तो अपनी सारी, मुझसे तो अपनी सारी बातें शेयर कर, तुझे क्या दिक्कत है, कुछ क्या चाहिए तेरे को, मुझे बोल ना। तेरे को तो बोलता हूँ यार, मेरे को नहीं। तो यहाँ 4-2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ क्यों बिठा के रखते हो? पता नहीं है यार कि मैं कैसा बंदा हूँ यार, पब्लिसिटी वाला बंदा। अगर मेरे को किसी भी फ्रेंड ने बोला ना कि तू किसी लौंडिया के संग मुंह काला करा था, तेरा मैं सच्ची मुंह काला करा के ना उस लड़की के पास ही भेज दूंगी। नहीं उसको ये बोल दूंगी वो मुंह काला कर, तू वो पकड़े मेरे को, तब आप बोल सकते हो, ऐसे यार नहीं बोल सकते। तो खड़े गोलगप्पे खाएगा तो डाउट नहीं होगा। एक बात बता, सपोज यार कुत्ते एक बात सुन, अभी तो मेरे यार दोस्त देख रहे हैं, फिर मेरे घर वालों ने देख लिया, तो ब्याह भी नहीं कराने वाले की लड़का तो हमने किसी और के संग देखा था। और कहीं वो मेरी सिस्टर हो जिसके साथ मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे घर वाले नहीं बोलेंगे? ऐसे प्यार से कौन खिलाता है मुंह तक, प्यार से कौन भाई बहन का प्यार नहीं होता क्या? क्या बात कर रही है, भाई बहन को प्यार आज तक, और मेरे भी भाई है, सच्ची मेरे भी भाई है, कभी आज तक उन्होंने मेरे को अपने अपने हाथ से ग्लास तक उठा के नहीं दिया, तू गोलगप्पे खिला रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यार है तेरा। देते होंगे तुम्हारे भाई होंगे ऐसे, सब समझती हूँ मैं तेरा बहन भाई का प्यार सब, और तेरी 2 बहनें कुत्ते सबको जानती हूँ। ये तेरी कौन सी तीसरी बहन, कब हुई है? अरे वो कजन सिस्टर है। ओ हो, थोड़ी देर पहले वो बेस्ट फ्रेंड थी, अब वो कजन सिस्टर हो गई। वो नहीं थी यार, मैंने तो गोलगप्पे का ही बोला, मैंने कोई और टॉपिक तो अभी बोला ही नहीं। यार बोले इतनी सारी फ्रेंड, तो मैंने तो तुम स्टेटस को देख के बोल रही हो, तो वो कुछ बैठ मतलब अभी तो गोलगप्पे, अब तू अपनी बातों में खुद कंफ्यूज होता है, रुक जा मैं तो मारूंगी। अब तू अपनी बातों में देख, जाने की तो झूठ बोल रहा है मेरे से, तू अपनी बातों में खुद ऐसे उलझ गया, उलझा उलझा ना तू, उलझा ना तू कमीना। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ तेरे को, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आवाज नीचे करके बोल। मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है, अभी जब मैंने बोला था गोलगप्पे तू उसके संग खा रहा था, तूने मुझे क्या बोला, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, बोला था नहीं बोला था? एग्री हो, बोल एग्री हो, बोल हाँ बोला था, ठीक है। फिर अभी मैंने बोला तू उसे अपने हाथों से खिला रहा था, यार वो तो मेरी कजन सिस्टर है, मतलब बेस्ट फ्रेंड सिस्टर कब से बन गई? हुआ नहीं है, बिना आंसर दे इसका। हो गया, हाँ हो गया, आंसर दे अब। आंसर ये है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इस तरीके से एंटर करने का। मैं घुसूंगी, घुस जा, मैं तेरी लाइफ में हूँ, मैं भी तेरी लाइफ हूँ, जब 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 पति पत्नी बन जाएगा तब भी तो मेरे को यही बोलेगा कि मैं तेरी हूँ। जब बन जाइयो तब बोलियो, जब बन जाइयो तब बोलियो। टाइम ही कितना रह गया, टाइम ही कितना रह गया, तो ऐसा कैसे बोल सकते मुझे जब बन जाइयो तब बोलियो, यानी कि तू मेरे को प्यार नहीं करता, यानी कि मतलब मुझे कोई हक नहीं ना तेरे को कुछ बोलने का, ठीक है यार जो कोई हक ही नहीं है तो फिर मैं तेरे साथ क्यों, ठीक है जो हक ही नहीं है किसी चीज का, तो यार कहने का मतलब ये नहीं था कि तेरे को हक नहीं है। मेरे को बोला कि पर्सनल लाइफ में मेरी में मत घुसो, तू हर बार मेरे साथ ऐसे करता है। अरे सुन तो यार, मैं तो देखो कभी कुछ नहीं बोलता, ऐसे गुस्सा मत हो, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बुरा लगता है। चल तू एक थप्पड़ और मार दे, निकला तू नहीं बोला, सच में तू बहुत पिटाई करती मेरी यार, बहुत। तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला कि मैं तेरी पर्सनल लाइफ में मारा, मेरे को इतना जब पैदा किया था और आज दिन तक मारा होता ना तो सुधर गया होता, मैं तो बोलूंगी आंटी को आंटी लट्ठर लेके बजा दे करो इसमें। नहीं नहीं मेरे घर वाले ऐसे नहीं हो, तुम ही मिल गई हो और गलती से शादी कर ली, तो मैं तो अच्छा है ना, भगवान भी देखता है, भगवान को भी दिखता है, भगवान को भी दिखता है इस लड़के पे कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो उसको सुधारने के लिए इसकी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए। तू नोटिस करियो जो इंसान ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है ना उसके लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा, अच्छा ना, नहीं बहुत तेज लगेगा। चल तू तब से मारे जा रही है, मैं जस्ट ट्राई किया था। लड़के क्या सॉफ्ट होते हैं, लगते थोड़ी ना, लड़कों को तो कितने टाइट होते हैं, आज जिम कर करके ऐसे हो जाते ना आदमी जैसे। कंटिन्यू नहीं रहने दे, रहने दे, इट्स ओके कुत्ता। तुझसे नहीं बोली यार, मन ने बोली थी, ठीक है यार ऐसे मत करेगा डाउट आउट, क्यों तेरे को पता है यार मेरा। यार देख एक बात बता, डाउट क्यों नहीं हो, जब दूसरे लोग बोलते हैं कि इसको कहीं और जा रहा है ये, तो बता बुरा नहीं लगेगा? फिर यार मन में फिर शक आ ही जाता, अब यार मैं नहीं चाहती ना कि तू कहीं और जाए,
मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ ही रहे हमेशा। तो तेरे साथ ही रहूंगा हमेशा, तू 7 दिन में आ जाइए मेरे पास पूरा वीक बोल रही है तेरे फैमिली इश्यूज थे इस वजह से तू नहीं आ पाई, नो प्रॉब्लम। बट इसका मतलब है कि अब मैं उतने दिन एक अंदर किसी कमरे में तो नहीं बैठ सकता ना। तो मतलब अगर मैं तेरे से 1 महीना नहीं मिलूंगी तो मुंह काला करने पहुंच जाएगा फिर? तो मुंह काला करने नहीं यार, हद हो गई यार। तुझे पता है लोग मांगना दूर रह, प्यार पता क्या होता है जरूर, प्यार हमेशा साथ रह करके नहीं होता, कभी कभी दूर भी होना पड़ता है, तो वो भी एक फीलिंग्स होती है, उसको भी प्यार की फीलिंग्स में लो ना। यार मैं बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो वेस्ट फ्रेंड्स कुछ उनके साथ घूम के आ जाता हूँ, फोटो वोटो क्लिक हो गए उन चीजों को लेके। यार तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने बखेड़ा नहीं खड़ा किया, तूने डायरेक्टली, मैंने तो बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ नहीं बोला। पहले मेरी सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा, डायरेक्टली तुम मेरे को बोल रहे हो कि तू मेरे को पहले तो ये बता कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तू पहले मेरे को ये बता। तूने खुद बोला कि मेरी सारी गर्लफ्रेंड है, तो बोलूंगा ना जब तुम मेरे को डायरेक्टली ऐसे बोलोगे। वो सारी फ्रेंड्स बोल रहे थे तो मैंने पूछ लिया। जैसे तुम हो वैसे हाफ मेंटल तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुमको ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो हाफ मेंटल हूं मैं, क्योंकि उनको तो ये अच्छा लगता ही नहीं है कि मैं तेरे साथ रहूं खुश रहूं, तू मेरे साथ खुश रहे, उनको लगता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं दिखता उनको। तो हर किसी के अंदर एक चुल्ल होती है ना, वो चुल्ल उनके अंदर है। अब डिसाइड तेरे को करना है कि तुझे मेरे साथ रहना है। छोड़ के जा भी नहीं रही हूँ मैं कहीं, तू जाके दिखा तेरा मुंह तोड़ूंगी मैं। ज्यादा नहीं, बस 3 गर्लफ्रेंड है। तूने फिर बोला तूने, ठीक है तो तू निके पास जाना, तू मेरे पास आ। पागल तेरे को चिढ़ाने में अच्छा लगता है, सुन ओए ऐसा कुछ नहीं है यार, तूने खुद बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि मैंने एक सामने कैमरा लगा रखा है और मैं तेरे साथ, तो मेरे तो बहुत पिटेगा, देख प्रैंक कर रहा था, फिर तो मेरे तो बहुत पिटेगा, अभी मैं पिटेगा। सच्ची बता। सुन हाँ। सुन मेरी बात, एक बार पहले उधर हाय कर दे प्लीज, उसके बाद फिर पीट लियो जैसे भी पीटना है। हाय कैमरा बंद करके पीटूंगी, पब्लिकली नहीं पीटूंगी, तेरे को बाल घुसन घुसन, ठीक है। हाय।